होटल के पास से मेरा दिन, मेरी रात तो बहुत ख़राब गुजरी। मुझे सारी रात उलझन थी, मुझे टेंशन था कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरी मासूम सी बच्ची का क्या होगा, अब क्या रह गया मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे 3 बार तलाक 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 दे कर छोड़ कर चले गए। अब मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक अधिकार चाहिए, मुझे खुदा से इंसाफ चाहिए, मुझे खुदा से मदद चाहिए और मुझे सरकार से मदद चाहिए, उनसे न्याय चाहिए कि मुझे मेरा हक और अधिकार मुझे मिले। इस तरीके का मसला जो है मुझे, मैं इसे मानती हूँ, लेकिन ये भी मानती हूँ कि ये सही नहीं है। अगर यही होने लगा महिला के साथ तो महिला कहाँ जाएंगी, अपने बच्चे की अपनी पेट कैसे पालेंगी, कैसे अपने बच्चों की परवरिश करेंगी। रुकैया के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तलाक का मसला एक ऐसा है जो पूरी तरह से इस समाज में गलत है, इसलिए कि एक सिटिंग में तीन बार तलाक कह करके नहीं दिया जा सकता। ये शरई तौर पे भी गलत है और इस्लामिक तौर पे भी गलत है। जहाँ तक कुरान के हवाले से अगर देखा जाए तो तलाक दुनिया में सबसे ख़राब, सबसे बदतर चीज़ों में गिना जाता है। लेकिन इस मामले में जो मोड़ आया है उसने अदालत को ही नहीं बल्कि समाज के मुसलमानों को भी रुसवा किया है। 28 तारीख तक लिखित आश्वासन पर अंतरिम बेल लेकर के इस लड़की को लेकर के उसके ससुर और उसका पति गया था, और उससे पहले ही उन्होंने 17 तारीख को कानूनी दांव पेच खेलते हुए पारिवारिक न्यायालय में आकर लिख करके शौहर ने दे दिया कि मैंने इसे तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। ये गलत है और इसकी जितना भी इसकी मजम्मत की जाए उसको की जानी चाहिए। कई साल से बैठी हुई है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। हाँ, उसके बाद में ले जाने के बाद 2 दिन उन्होंने अपने घर पे रखा, जब अदालत ने फैसला किया 2 दिन घर पे रखा, उसके बाद में उसको तलाक दे दिया, तो ये गलत है। तो औरतें तो परेशान होंगी भाई, महिला हैं तो वो तो परेशान होंगी भाई, उसके आगे भी एक लड़की है छोटी से ना, कोई लोग नहीं जसा देंगे तो होएगा क्या।